हेलो एंड वेलकम टू स्टूडियोज तैमूर। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमारी फिनिश प्रोडक्ट किस तरह की होती है और हमारी एल्बम्स के फाइनल प्रोडक्ट किस तरह की निकलती है। सो जो फर्स्ट एल्बम मेरे सामने इस वक्त पड़ी हुई है, ये एक ग्लास फिनिशिंग में है। आप देख सकते हो कि आई रियली लव दिस इमेज फ्रॉम द विलीमा इवेंट एंड हसन एंड आयशा वर लुकिंग अमेजिंग ऑन बोथ ऑफ द डेज जो हमने बारात और वलीमे का कवर किए हैं। सो आई आपको दिखाते हैं एल्बम के अंदर और किस तरह की इसकी लेआउट्स थी। तो ये फर्स्ट जो पेज है इसका, इसके अंदर एज टू एज हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। दोनों इमेजेस मुझे बहुत पसंद आए हैं, एक ओवरऑल फील इस्टेब्लिश कर देता है कि हम लोग किधर हैं। और ये निशात के अंदर शूट किया गया था, शूट बहुत अमेजिंग लगा मुझे। द कलर्स वर वेरी वाइब्रेंट। और अगले पेज पर आप आते हो तो आप देख सकते हो काफ़ी नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। जो सारे पोर्ट्रेट स्टाइल के इमेजेस हैं वो इस पेज के अंदर जो है हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किए हैं। ऑलराइट, सो जब हम अगले पेज पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सारी सिमेट्री है एल्बम की वो एक वेल थॉट ऑफ तरीके से डिज़ाइन की गई है। आई रियली लव दिस इमेज फ्राम द शूट और ये ओवरऑल एक एम्बियंस जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहा है। जो इन लोगों की आपस की केमिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है। साथ दिस ब्यूटिफुल इमेज इन द पोर्ट्रेट इज गिविंग अ वेरी नाइस व्यू। ऑलराइट, सो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने कपल शूट जो है हसन एंड आयशा का चल रहा है और ये लोग अभी वलीमे के डे के अंदर से हम आपको कुछ फोटोज़ दिखा रहे हैं कि वलीमे के अंदर आई रियली लव द इमेजेस। सो आप देख सकते हो इवनली प्लेस्ड आउट इमेजेस हैं, इनका साइज और इनकी ओवरऑल स्टोरी जो है वो बड़े क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। ऑलराइट, सो आपको अब इनकी दूसरे इवेंट की एल्बम्स दिखाते हैं। ऑलराइट, सो अब हम आपको दिखाते हैं कि इनकी बारात की एल्बम कैसी थी। सो आप देख सकते हो वंस अगेन द एल्बम स्टार्ट्स विद वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस फ्रॉम कपल शूट और सेम स्टाइल है, ग्लास के एलिमेंट इसमें भी यूज़ हुआ हुआ है। और आप जैसे एल्बम खोलते हो आप चेक करते हो कि सारे इमेज की सिमेट्री अब जो है फोकस्ड है फैमिली के ऊपर। सारे इमेजेस जो फैमिली थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। आप सारे पेजेस पे देख सकते हो कि हर फैमिली की लेआउट्स डिफरेंट हैं और आप देख सकते हो कि एंट्रेंस की जो पेजेस हैं और जो दूध पिलाई के पेजेस हैं आर वेरी वेल कंपोज्ड एंड इन अ वेरी क्रिएटिव वे। अराउंड 80 to 100 इमेजेस आर यूज्ड इन दिस एल्बम और सारे इमेजेस जो हैं वो हमने यूटिलाइज़ किए हैं। आप देख सकते हो जो दूध पिलाई के अंदर एक बहुत अच्छी रस्म चल रही होती है तो बड़े कैंडिड सी जो फील आती है, बड़े कैंडिड शॉट्स हमें मिलते हैं वो थ्रू आउट द एल्बम उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। सो इन दी एंड आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है जिस तरह रुखसती के जो इमेजेस हैं आर वेरी वेल डिज़ाइंड और इवनली लेआउट हैं और इनका साइज़ भी आप देख सकते हो कि कितने वेल प्लेस्ड हैं इन द एंटायर एल्बम। ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एल्बम और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एल्बम भी बाकी एल्बम्स की तरह ग्लास कोटेड है एंड वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस फ्रॉम वलीमा शूट इज़ यूज्ड इन दी कवर फोटो लाइक द रेस्ट ऑफ द एल्बम्स। और इसका स्टार्ट हो रहा है कपल की एंट्रेंस के साथ जो स्पॉटलाइट की एक एंट्रेंस का स्टाइल है हमारे पाकिस्तान में, उसी तरह ये इन्होंने भी स्पॉटलाइट को यूटिलाइज़ किया है हसन एंड आयशा ने। तो इमेजेस टर्न आउट टू बी वेरी गुड और आप देख सकते हो कि जो फैमिली फ़ोटो है उसका साइज़ दैट डज मैटर और उसका साइज़ जो है काफ़ी बड़े तरीके से लेआउट में इस्तेमाल किया गया है। और ऑलराइट, सो आप देख सकते हो कि वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एल्बम वाज नॉट
देयर इन द वेडिंग, और इसको हम लोगों ने बड़े क्रिएटिव तरीके से ऐड किया है एल्बम के अंदर, और जो फोन कॉल उस टाइम लाइव चल रही थी इसी तरह ही उनकी इनकॉर्पोरेशन की है। आप देख सकते हो कि द बेबीज हैज अ डिफरेंट लेआउट, और इन लोगों के लिए एक डिफरेंट पेज जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो आप देख सकते हो कि हम इस पेज में जो सारी ग्रुप फोटोज़ हैं वो एक सिमेट्री से यूटिलाइज़ की गई हैं। आप देख सकते हो कि जो सारे लोग फैमिली के इम्पोर्टेंट लोग जो आए हैं स्टेज के ऊपर, उन लोगों की फ़ोटोज़ जो है वो बड़े इवनली प्लेस्ड लेआउट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और एंड जो है इस एल्बम का एक फैमिली फ़ोटो के साथ हुआ है कि एक तरफ हमारे पास ग्रूम की सारी फैमिली है और दूसरी तरफ हमारे पास ब्राइड की सारी फैमिली है, तो इनका साइज़ भी हम लोगों ने, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट इमेज थी पूरी वेडिंग की, इसलिए इसका साइज़ भी जो है सबसे बड़ा रखा गया है। Alright guys, so ये थी मेरी albums and I would love to hear from you, और आप लोगों के सारी suggestions और जो भी feedback है, I would love to hear it from you guys. Thank you.